गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसा लगा दिन भर? समझ में नहीं आया। कैसा रहा दिन भर आपका? ओके। आज सुबह से लेकर के अभी तक की जो हम लोगों की जर्नी रही, इतना कुछ सभी लीडर्स से सुनने को मिला, इतना मोटिवेशन आपका हुआ, तो शायद अब हम लोगों के पास वर्ड नहीं बचे। जो चीजें आप लोग यहां से लेकर के जाने वाले हैं, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ से उसके रिजल्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। आगाज 2021 यानी जनवरी 21 की क्लोजिंग जबरदस्त होगी। होगी कि नहीं होगी? यस। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, कुछ चीजें अभी हमने गौर किया कि जो भी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि सक्सेस हमसे दूर जा रही है या कि सक्सेस से हम दूर जा रहे हैं, इस चीज के पीछे मैं एक छोटा सा स्टेप, एक छोटी सी स्टोरी आपको देना चाह रहा हूं। उसको आपको अपने पे नहीं लेना है, स्टोरी छोटी सी है, इसी से को लेकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये स्टोरी है एक डॉग की और एक कैट की। डॉग कैट का पीछा करता है, कुछ दूर जाता है, कैट को पीछा नहीं कर पाता, पीछे से एक और कैट आ जाती डॉग के पीछे। अब डॉग क्या करता है, उसके दिमाग में विचार आता है कि वो वाली कैट दूरी है, ये बगल से जो निकली ये अभी मेरे पास में है, अब वो उसका पीछा करने लगता। थोड़ा दूर जाता है, पहली कैट छूट गई, दूसरी कैट का पीछा करता रहता है। थोड़ा दूर जाने के बाद तीसरी कैट उसका पीछा करके आगे निकलती। क्यों? क्योंकि कैट की स्पीड डॉग से ज्यादा। अब उसके मन में फिर एक थॉट जगता है, यार उस वाले को पीछा करूंगा तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, ये निकली है अब इसका पीछा करते हैं। अब वो तीसरी कैट का पीछा करने लगता। यही करते करते उसके जो गोल होते हैं, उसका जो ये कहना चाहिए लक्ष्य है कि हमें कहां पहुंचना, क्या इस पोजीशन में कभी पहुंच पाएगा, बोले पहुंचेगा कि नहीं। तो आप मुझे ये बताएं, क्या हम लोगों की जिंदगी में भी यही नहीं हो रहा? हमारे सीनियर, हमारे लीडर्स हम लोगों को बार बार बोलते हैं कि आपको 3 से 5 साल अपना टाइम स्पेंड करना है, यानी 3 से 5 साल तक आपको ऐसे हो जाना है, मतलब किसी चीज को और नहीं देखना। हम लोग करते क्या हैं? मैं नहीं जानता यहाँ पे स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, किस पोजीशन में कैसा काम करते हैं, किसको फॉलो करते। जैसे आज जो समय अभी चला, सबसे ज्यादा ही चला कि लोग फेसबुक में किसी और ग्रुप को फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम में किसी और को फॉलो करते हैं। हम क्यों किसी और को फॉलो करो जब हमारे पास इतनी बड़ी लीडरशिप है? बायोसेस का पूरे इंडिया में कहीं भी कोई हो, उसको फॉलो कीजिए, आपको किसी और के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। एक चीज और आपने गौर किया होगा, हम सब थोड़ी सी अर्निंग करने के बाद साइड से 4-5 बिजनेस और ऐड कर लेते हैं अपने साथ। तो जो हमने स्टोरी बताई है, ये उसी स्टोरी में हम लोग घुस जाते हैं। हमें टाइम देना है अपने सिस्टम को फॉलो करना है, कम से कम 3 से 5 साल। मैनेजमेंट का काम क्या है? वो आपको अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बना के दे रहा है, आपका पे आउट टाइम पे दे रहा है, आपके एंजॉयमेंट की हर तरह की अरेंजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट तो यही कर सकता है ना, फील्ड में जाके मैनेजमेंट प्लान तो नहीं दे सकता, वो काम तो आपको ही करने हैं। तो आपको अपने पर्सनल फॉलोअर बनाने पड़ेंगे और वो भी ग्रुप में बनाने पड़ेंगे। ये जो आज का सेशन हुआ है, इस सेशन में एक चीज सामने निकल करके आ गई है कि बायोसेंस का आने वाला 2 से 3 साल इंडिया की
बड़ी से बड़ी कंपनी को भारी पड़ने वाला है। हमारे खन्ना सर हैं, प्रोडक्ट आने वाले समय में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आ जाएंगे कि बाहर की कंपनियां वो परेशान हो जाएंगी कि ये इनके पास कौन सा रिसर्च है, कैसे ये कहां से चीजें लेकर के आते हैं, क्योंकि सब लोग पास ये रिसर्च नहीं है जो हमारे पास है। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, अभी नरेश जी को भी सुनना है, खन्ना सर को भी सुनना है और समय ज्यादा हो चुका है। तो आपको आगाज 2020 को आज से ही अपने माइंड में सेट कर लेना है। हमारा हर वीक क्लोजिंग होता है, हर वीक हमें ध्यान देना है बीवी पे। बाकी सारी चीजें हो चुकी हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझ चुके हैं, हमें ध्यान देना बीवी पे, बीवी कहाँ से आनी है, उसको प्रोडक्ट को कैसे कहाँ यूज करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। थैंक यू।